दोस्तों हमारे चैनल के कवाली को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। जब जिंदगी के सूरज की आखिरी किरण भी बिजली की चमक की तरह गायब हो जाएगी तो मौत का भयानक अंधेरा होगा, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं इस अंधेरे में खो जाऊंगी। अब मैं चली, अपना कफन मक्का से लेकर आई थी। मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी और कमाल की शादी तोड़वाई। मीना जी ने कल खयाम साहब जिन लोगों ने मेरा घर बर्बाद किया है उनका भी घर कभी बसेगा नहीं, ये बद्दुआ है उनकी। मुझे मीना जी की कब्र को देखकर गालिब जी का एक शेर याद आ जाता है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जब किसी का दिल बहुत दुखता है तब उसके दिल से एक आह निकलती है, तो वो दुनिया को चीरती हुई बादलों को पार करते हुए आसमान में अरसे मौला तक फरिश्तों के पास पहुंच जाती है और कहती है मुझे अल्लाह के दरबार में पहुंचा दो। उस आह को दुनिया से आसमान तक और आसमान से अरसे मौला तक का सफ़र तय करने में एक मुद्दत, एक बहुत लंबी मुद्दत लग जाती है। इसलिए गालिब जी कहते हैं आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जुल्फ का सर होना यानी कि किसी के दिल तक बात पहुँचना, खुदा तक बात पहुँचना, यानी आह को खुदा तक पहुंचने में एक लंबी मुद्दत चाहिए। कौन जीता है यानी जब तक जवाब आता है तब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा या नहीं। रोज जब रात के आंचल में सितारे होंगे ये समझ लेना के वो अश्क हमारे होंगे, और किस हाल में हम दर्द के मारे होंगे। खुश रहो अहले चमन, हम तो चमन छोड़ चले। खुश रहो अहले चमन। तुम ढूंढोगे मुझे भीड़ में हजारों की, और मैं वहां मिलूंगी जहां मतलबी लोग हुआ नहीं करते। फिर मेरी आवारा लाश अपने गुलाबी मकबरे में दफन हो जाने के लिए लौट आई। हट, कैसी लाश? एक कब्रिस्तान है, हमारे मकबरे हैं जिनमें हम मुर्दा औरतों के जिंदा जनाजे सजा कर दिए जाते हैं। हमारी कब्रें बाकी नहीं जाती, खुली छोड़ दी जाती हैं ताकि चुप हो जाओ। ऐसी खुली हुई कब्र की एक
बेसब्र लाश हूँ जिसे बार बार जिंदगी वर्गला कर भागा ले जाती है। अब मैं अपनी सावार की और जिंदगी की धोखेबाजी से बेजार हो गई हूँ, थक गई हूँ। वक्त कैसे मिलता उन्हें हमारे लिए, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ पाना है इस जमाने से। अब हर कोई हमारी तरह प्यार में खुद को तो नहीं लुटा सकता ना। कमाल साहब और मीना जी जिस मोड़ पर बिछड़े थे, दुनिया फरेब करके हुनरमंद हो गई और हम एतबार करके गुनाहगार हो गए। कहते थे जी ना सकेंगे तेरे बिन, वो आज भी जिंदा है किसी और से ये कहने के लिए। कमाल साहब और मीना जी जिस मोड़ पर बिछड़े थे, दोबारा वो उसी मोड़ पर फिर मिले। वो मोड़ था फिल्म पाकीजा। हमारी जिंदगी तब बर्बाद होती है जब दिमाग वालों को हम अपने दिल में जगा देते। सच्ची मोहब्बत अगर देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से आंसू गिराना और देखना कितने हाथ उनको समेटने के लिए आगे बढ़ते हैं। उड़ने दे परिंदों को आज़ाद फिजाओं में गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट ही आएंगे। मैं अब नहीं बचने की, क्या सुख मिला तुम्हें मेरा हाथ पकड़कर। तुम इंसान नहीं देवता, मेरे सुख के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया तुमने, कितने दुख उठाए, कितनी बदनामी से। गुजरी है बातों को भूल, मेरे आंसू तो पोंछ दिए तुम, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी, कुछ ना कर सकी, दुखी दिया तुम। कभी कभी जुबान से माफ करने में हमें वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी उम्र बीत जाती है। विधे और मंजू चली गई, ये कहा उन्होंने, और मंजू सदमा लग गया, वो हॉस्पिटल में थे उस वक्त, उनसे हम मैं भी थी उनके पास, उनके पैरों के पास मैं ही बैठी थी जब इंतकाल हुआ है। बाबा सिराने बैठे थे, पहले वो डॉक्टर ने कहा अभी वो बिल्कुल कोमा में है, तो फिर उनकी बहनों ने कहा, तीन चार दिन से वो कोमा में थी, तो उनसे कहा गया कि बहुत तकलीफ हो रही है, अब ये डॉक्टर ने कहा ये वापस नहीं आएंगी, तो हम चाहते हैं कि अब इनके निकाल दिए जाएं ट्यूब्स। तो बाबा ने कहा जैसा आप सब लोगों की ख्वाहिश हो, मैं तो नहीं चाहूँगा मंजू कभी जाए। तो फिर उनकी बहन ने आके कहा कि आप उसे माफ़ कर दीजिए, कमाल भाई आप उसे माफ़ कर दीजिए, आप उसके शौहर हैं, आप उसे माफ़ कर दीजिए। तो बाबा ने उनके सिरहाने बैठ के उनका दुपट्टा इस तरह से, जैसे पाकीज़ा में निकाह के का सीन में वो चौल ओढ़े हुए, वो बाबा का बहुत पसंदीदा फेवरेट स्टाइल था। उन्होंने महल में भी मधुबाला को भी इस तरह उड़ाया है, शॉल उड़ाना औरत को इस रूप में बहुत अच्छा लगते पसंद करते थे कि वो कुछ काला पहनी भी हो और सोगवार सी हो। तो जब छोटी अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं उनके पाँव के पास बैठी थी, और भी उनके सब रिश्तेदार भी थे, बहन भी थी, मेरे भाई भी थे। तो उन्होंने, बाबा ने उनको कहा, वो दुपट्टा उनकी जो चादर थी जब वो निकाल लिया गया और आखिरी हिचकी उनकी आई, तो बाबा ने कहा खुदा हाफिज मंजू, खुदा हाफिज, मिलेंगे जल्दी। तो ये मुझे रंज होता है बहुत बहुत, और मैं नहीं समझ पाती कि मैं कभी कभी इंसान किसी से बोस करता है ना, वो आप कितनी भी उसके बारे में सफाई दें, कितना भी आप कोशिश करें, लोगों के दिल में जो एक बात गड़ी रहती है वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और शेक्सपियर के कॉल की पासदारी कर रहा है, वो मोहब्बत नहीं अदाकारी कर रहा है। किसी को हम सफर बना लीजिए, रास्ता भी कट जाएगा, मंजिल भी मिल जाएगी। हम सफर बनाए, मालूम नहीं है कितनी दूर तक जाते,
सच्चा हम सफर जिंदगी फरसात नहीं छोड़ता जी। आपकी जुल्फों की कसम, जुल्फों की कसम ना खाइए। आप कहें तो जुल्फों को चूम लूं। हमारे अपने हमें कभी दर्द नहीं देते, दर्द वो देते हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। धर्मेंद्र जी की बेवफाई मीना कुमारी जी से नहीं सकी और हद से ज्यादा शराब पीने लगी। अब जी लिए शाह साहब, किसके लिए ये जिंदगी? अब मैं नहीं जीना चाहती, मुझे विदा कर दीजिए। अकेलेपन का जहर सबसे जहरीला होता है, इसे वही समझता है जिसने जहर को पिया हो और जिया हो। जिंदगी में हमें एक दिन ये समझ में जरूर आता है कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, लेकिन जब तक ये समझ में आता है बहुत देर हो जाती है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। जब मीना जी बहुत बीमार थी तब धर्मेंद्र जी उन्हें देखने भी गए थे। दुख देकर सवाल करते हो तुम भी गालिब, कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो तुम ख्याल करते हो। ऐसी जीती जागती आवाज सुनकर सारा माजी आंखों के सामने से घूम जाता है। उन्हें सचमुच खिलखिलाकर हंसते बहुत कम देखा है लोगों ने, और सच पूछिए तो बिलख के रोते भी नहीं देखा किसी ने। सारी जिंदगी एक दबी दबी सी आंच की सी थी, एक खामोशी सिसकती हुई, एक तन्हाई सुलगती हुई। किसी को इतना महत्व ही नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। कमाल अमरोही जी ऐसे फनकार थे जिन्होंने फिल्मों में गाने लिखे, डायलॉग लिखे और कहानी लिखी, फिल्मों को डायरेक्शन किया और फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। वो अपने काम में इतने मसरूफ हो जाते थे कि उन्हें और कुछ नहीं दिखता था। मसरूफ रहने का अंदाज तुझे तन्हा ना कर दे गालिब, रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज होते हैं। समय दिया करो रिश्तों को, ताजमहल लोगों ने देखा है मुमताज ने नहीं। पहले रही हूं। थिएटर जा रहे हैं, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या? अब बात कानों तक पहुंची, हम लोग थिएटर जा रहे हैं। किसके साथ? गिरिन बाबू के साथ। गिरिन बाबू कौन है? जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जाती उनकी बदनामी शुरू हो जाती है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वो लोग आपको तोड़कर हरा देते हैं। मीना जी के जाने के बाद कमाल साहब भी सुकून से नहीं रहे। और तब से उन्होंने इसको एक बड़े अपने सपने की तरह संजो कर रखा था, और ऐसा सपना जो जिसको वो परफेक्ट करते रहे होंगे इतने धीरे धीरे लिख के, एक एक बात, एक एक चीज, एक एक सीन, इतने वर्षों में उन्होंने इसका संजोया होगा और तब बनाया उसको। जिन्होंने इतने बड़े साकार किए थे, पहली हॉरर फिल्म बनाई, मुगले आजम के डायलॉग लिखने वाले चार उर्दू के आदिल मकबूल शायर थे। 80% मुगले आजम के डायलॉग कमाल साहब ने लिखे थे। पाकिजा पहली कलर सिनेमा स्कोप फिल्म बनाने वाले कमाल साहब थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लता मंगेशकर जी और मधुबाला जी को महल फिल्म के जरिए रातों रात सुपरस्टार बनाने वाले कमाल साहब थे। कमाल साहब ने अपने बलबूते पर जो भी किया खुद किया, खुद अपनी मेहनत से कामयाबी का महल खड़ा किया। शुरुआती दौर में फिल्म इंडस्ट्री को मजबूती देने वालों में से एक नाम कमाल साहब का भी था। धोखा हमने वफा की राह में खाया है जरूर, लेकिन किसी को धोखा नहीं दिया। दिल को जला के दी है जमाने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। किरदार में भले मेरे अदाकारिया नहीं है, खुददारी है, गुरूर है, पर मक्कारिया नहीं है। परफेक्शन था ये पूरी फिल्म में, कि आज भी वो एक माइलस्टोन है, और सब लोग जो किसी भी तरह की रहस्य की फिल्म से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ते हैं
उसको एक आदर्श मानते हैं अपने लिए। दोनों के बीच में जो एक तार जुड़ा था वो कहीं पर उस लय में आगे नहीं चल सका जैसा कि उम्मीद की जाती थी या जैसा कि लगता था कि ये बहुत ही बढ़िया जोड़ी है। दोनों अपने अपने तरह के अलग कलाकार हैं और इनका जो मिलन है बहुत आगे तक जाएगा। दोनों अजीम शख्सियत थे, अगर दोनों साथ होते तो हमें ना जाने कितने और साकार देखने को मिलते, लेकिन ऐसा हो ना सका। जब मीना जी बहुत ही बीमार थी तब उन्हें हॉस्पिटल चेयर पर ले जा रहे थे, तब बाहर झाड़ू लगाने वाली स्लीपर उनके पास दौड़ कर आई और उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। तब मीना जी ने अपने हाथ में रखा पर्स उसे दे दिया। उस पर्स में उनकी ज़रूरी चीज़ें और न जाने कितने नकद रुपये थे। ऐसा था मीना कुमारी जी का दिल। ज़्यादा शराब पीने से उन्हें लीवर कैंसर हो गया था, वो दर्द से करहा रही थी। मैं मरना नहीं चाहती। डॉक्टर ने 3 बाल्टी द्रव्य उनके पेट से निकाला, तब उन्हें थोड़ी राहत हुई। आखिरी वक्त में उनका पेट भी बहुत बढ़ गया था, बदन पे सूजन आ गई थी, बिस्तर में चारों तरफ तकिए लगे हुए थे, हिलना डुलना भी बंद हो गया था। फिर वो कोमा में चली गई और वापस नहीं आ सकी। एक अजीम शख्सियत, एक नेक इंसान, उनकी इतनी दर्दनाक मौत। कुदरती मौत होती तो भी थोड़ा सब्र आ जाता। राजा हो या रंग, सभी का अंत एक सा होए, सबको एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ऐसे नहीं। मौत को खुद गले लगा कर रहने को सदा जहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। साकी से गिलाता तुम्हें महखाने से सिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। माना कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, देर रात भले समा बुझाता नहीं कोई। रहने को सदा जहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। मीना जी की मौत फिल्म इंडस्ट्री के माथे पर एक कलंक बनकर हमेशा चिपका रहेगा। अक्सर हमने देखा है कि जो अपनी मेहनत की बलबूते ऊपर कामयाबी हासिल कर चुके होते हैं, उन्हें नाकामयाब लोग अपने मोहब्बत के जाल में फंस कर सीढ़ी के तौर पर ऊपर चढ़ जाते हैं, और जब वो कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें खोटे सिक्के की तरह कहीं एक कोने में फेंक देते हैं, उनके जज्बातों से खेलते हैं, फिर वो सदमे में से उभर ही नहीं पाते और वो जिंदगी के उस मकाम पर आकर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय मौत के, जिसकी बड़ी मिसाइल हमें मीना जी और सुशांत जी में दिखाई देगी। और लोग ये समझ ही नहीं पाते उनके आइडल के खोने के दुख में इसका गुना वो किसी बेकसूर पर डाल देते हैं और इस तरह वो साफ बचकर निकल जाते हैं। इस बात पर मुझे गालिब जी का एक शेर याद आ जाता है, बड़ा मजा हो जो मैसर में हम करे सिकवा, और वो मिन्नतों से कहे चुप रहो खुदा के लिए।